गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन तो आज का पहला टॉपिक है ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स 2021. तो so, मार्च में भी जो है इसी साल मार्च में जो है गवर्नमेंट ने ड्रोन रूल्स निकाले थे लेकिन उस पर कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी तो उनको अपडेट करके दोबारा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने रूल्स को दोबारा निकाला है तो जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं कि ड्रोन जो होता है वो एक अनमैंड एयरक्राफ्ट होता है ठीक है तीन तरह के होते हैं ये एक होता है रिमोटली पायलटेड एक होता है ऑटोनॉमस और एक मॉडल तो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट क्या होता है जो आप बिजनेस ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं जैसे आ, समझ लो कि अमेज़ॉन है ठीक है तो उन्होंने कुछ डिलीवरी करनी है तो वो रिमोटली उसको जो है वो बिज़नेस के रिमोट का यूज़ करते हुए आपके जो है वो घर पर जो है वो प्रोडक्ट को डिलीवर कर देंगे ड्रोन का यूज़ करते हुए दूसरा होता है ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट ऑटोनॉमस से आपको समझ आ गया होएगा कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया जाता है ड्रोन अपने आप चलता है कोई बहुत ही रेयर सिचुएशन में जो है वो उसको जो पर्सन जो नीचे जिसको हम पायलट कहते हैं उसकी इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है वरना ये खुद ही जो है अपना काम कर लेता है फिर होता है एक मॉडल एयरक्राफ्ट मॉडल एयरक्राफ्ट कौन सा होता है जो आप और मेरे जैसे जो लोग जो सिर्फ लेजर के लिए या स्पोर्ट्स में मतलब खेल खेल के लिए जो यूज़ करते हैं उसको हम मॉडल एयरक्राफ्ट कहते हैं तो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट और मॉडल एयरक्राफ्ट में सिर्फ इतना फ़र्क है कि रिमोटली वाले का जो पर्पज़ है वो बिजनेस पर्पज़ है और ये मॉडल एयरक्राफ्ट का पर्पज़ जो है वो लेजर या फिर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का पर्पज़ है ठीक है तो ड्रोन की कैटेगरीज़ क्या है इंडिया में एक हमको सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ नैनो जो है वो है ढाई ग्राम से कम का और जो है लार्ज है वो डेढ़ सौ किलो से ऊपर का ठीक है तो ये दो, दोनों कैटेगरीज आप याद रखना अब जो न्यू रूल्स हैं वो क्या कह रहे हैं एक तो बहुत सी चीज़ों के लिए जिनके लिए पहले अप्रूवल मांगा था जो जो 2000 सॉरी मार्च के जो रूल्स थे उनमें कहा था कि अप्रूवल चाहिए होगा ये करने के लिए वो करने के लिए वो सब अबॉलिश कर दिया गया है ठीक है रिड्यूस कर दी गई है फ़ीस को भी बहुत ही कम फीस कर दिया है जो अगर आपको अप्रूवल uh, या फिर जो रजिस्ट्रेशन uh, करानी है ड्रोन की तो ठीक है फिर जो एक नो परमिशन नो टेक ऑफ जो है उसके लिए जो रूल्स हैं वो सेफ्टी फीचर्स वाले जो होते हैं वो भी आगे आने वाले टाइम में नोटिफाई किए जाएंगे और छः महीने का टाइम दिया जाएगा कंप्लाई करने के लिए फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके ऊपर जाके जो है आप अपनी जो है ड्रोन्स को रजिस्टर कर सकते हो और ये इतना ज़्यादा ऑटोमेटेड होगा एक ये सिंगल विंडो क्लियरेंस होगी और इतना ऑटोमेटेड होगा कि इसमें मिनिमल ह्यूमन इंटरफेरेंस होगी और मोस्ट ऑफ द परमिशंस जो है वो खुद ही जनरेट होकर आपको मिल जाएंगी ठीक है फिर येलो जोन ग्रीन जोन रेड जोन ये जो है इनकी डेफिनेशन में भी थोड़ा सा चेंज किया गया है ग्रीन जोन क्या होता है जहाँ पर आप उड़ा सकते हो ठीक है येलो जोन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और रेड जोनस में तो आप जो है ड्रोन को नहीं उड़ा सकते तो येलो जोन के जो पहले था कि एयरपोर्ट से 45 किलोमीटर का जो एरिया है आ, वो येलो जोन हो जाता था मिनट से पैंतालीस 45, 45 किलोमीटर से आगे का एरिया उसको रिड्यूस करके बारह किलोमीटर कर दिया ठीक है तो एयरपोर्ट के पैरामीटर के बारह किलोमीटर के बाद का जो रीजन है वो येलो जोन वहां से शुरू हो जाता है और उस एरिया में आप जो है आ, फ्लाइट आपको विद रिस्ट्रिक्शन आप उड़ा सकते हो ये ड्रोन्स को ठीक है और ग्रीन जोनस में तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं अगर आप 400 फीट तक उड़ा रहे हो ड्रोन तो आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है उसके लिए ले, लेकिन अगर आप ये जो अगर येलो जोन में उड़ाना चाहते हो ड्रोन को तो आपको 8 से जो 12 किलोमीटर वाला जो एरिया पड़ेगा उसमें 200 फीट से ऊपर आप ड्रोन को नहीं उड़ा सकते ठीक है फिर कोई पायलट लाइन लाइसेंस की जरूरत नहीं है अगर आप माइक्रो ड्रोन्स जो छोटे ड्रोन होते हैं ना नैनो ड्रोन्स टाइप ठीक है ये देखो हमने यहाँ लिखे हैं ना माइक्रो और नैनो ये दो लिखे हैं जो ढाई ग्राम से दो किलो के बीच में और जो ढाई सौ ग्राम से कम है इन दोनों को उड़ाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है ठीक है और सिर्फ नॉन कमर्शियल यूज़ होना चाहिए उसके लिए जैसे हम जो मॉडल अगर ड्रोन उड़ा रहे हैं तो ठीक है फिर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर फॉरेन कंपनीज़ जो रजिस्टर हैं इंडिया में अगर वो ड्रोन ऑपरेशंस करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं पहले तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स को जो है वो डीजीएफटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड वो है वो रेगुलेट करेगा फिर ड्रोन्स की जो है कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया गया है 500 किलो तक के ड्रोन जो है वो उड़ाए जा सकते हैं अभी 500 किलो क्यों किया गया क्योंकि आने वाले टाइम में फ्लाइंग कार्स जिनको हम कहते हैं ना ड्रोन टैक्सीज उसका कंसेप्ट भी आने वाला है तो इसलिए ड्रोन टैक्सीज को भी परमिशन जो है वो देने के लिए इस इसके अंदर ही इंक्लूड कर लिया गया जितनी भी ड्रोन की ट्रेनिंग और टेस्टिंग होगी वो एक ऑथोराइज ड्रोन स्कूल में होगी और डी जो है वो उसके लिए ट्रेनिंग के रिक्वायरमेंट्स क्या है ड्रोन स्कूल कैसे हो सकते हैं उसको ओवरसी करना और पायलट के लाइसेंस जो है वो सब जो है डी देखेगा ठीक है सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस कि हाँ अब ये पर्सन जो है वो पायलट बन सकता है या वो चला सकता है वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया देगा ठीक है ड्रोन कॉरिडोर्स बनाने की भी बात की जा रही है ताकि हम कार्गो डिलीवरीज कर सकें ठीक है अमेजोन या फ्लिपकार्ट या जितने भी जो कार्गो uh, डिलीवरी वाले एजेंट हैं या फिर लॉजिस्टिक्स वाले जो कंपनीज हैं उनके लिए स्पेशल ड्रोन कॉरिडोर्स बना दी जाएंगे कि हाँ वो उनके लिए समझ लो वो रस्ते होंगे कि उसी के ऊपर वो अपने जो है ऑपरेशन कर सकते हैं फिर ड्रोन प्रमोशन काउंसिल एक बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी रंजीम बनाने की बात की जा रही है ताकि जो है ड्रोन प्रमोशन काउंसिल के थ्रू जो है ड्रोन का जो बिजनेस है वो इंडिया में हम अच्छे से ला सके ठीक है सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स 2021 सो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दे हैव रिलीज न्यू रूल्स दे वर रिलीज इन मार्च दिस ईयर बट नाउ दीज रूल्स हैव बीन रिवाइज एंड दिस ड्राफ्ट हैज बिन रिलीज फॉर पब्लिक कमेंट्स This has been released by Ministry of Civil Aviation, as we all know. So, what is a drone? D drone is basically an unmanned aircraft. There are three types of drones: remotely piloted, autonomous, and model aircraft. So, this remotely piloted is the one in which businesses use for delivering their products or for basically commercial purpose. This autonomous aircraft is the one uh, which which has its own brain, basically, uh, because it's it uses artificial intelligence and other. Uh, Modern technology to carve out its own path. Minimal human interference is required. Minimal interference by the pilot uh, is required. And in this model aircraft, this model aircraft is the one which we uh, people like you and me uh, uh, are using uh, for recreational or sports purposes. Okay. So the only difference between this remotely piloted aircraft and the model aircraft is that the this one, this remotely piloted, piloted one it is also being run by a pilot uh, on the ground but th it has commercial purpose and this model aircraft does not have any commercial purpose so there are several categories of drone in india there is nano and large so nano one is uh, na nano is the one which is less than or equal to 250 grams micro one is between 250 grams to 2 kgs and this large one is greater than 150 kg so for these nano and micro drones and these new rules are saying that they, yet, that people do not require any license for flying these drones okay so the uh, the rules let us see what are the new rules so approvals which were required in the march 2021 draft several such approvals have been abolished you don't need to take approvals for the for these kind of uh, activities now fees has also been reduced now uh, the safety features like no permission, no takeoff, uh, the rules for that will be uh, uh, made in the future. Okay. Uh, an important one is that they have proposed a digital sky platform which will cater to all the uh, registration purposes. Okay. It will be a single window online system. Minimal hu human interference will be there and most of the permissions will be self generated. They have also redefined the airspace map okay so this green zone is where you can fly the drones uninterruptedly with minimal restrictions in yellow zone there are some restrictions some big, big restrictions and in red zones you just cannot fly the drones okay so this yellow zone uh, has been reduced from 45 kilometer to 12 kilometer from the airport perimeter. So earlier from the airport perimeter to to its, uh, to 45 kilometers, you uh, you cannot you it was red zone. You could cannot uh, you could not have uh, uh, fly these drones. But now after this 45 kilometer beyond this 45 kilometer area, this yellow zone will. Uh, uh, earlier beyond this 45 kilometer yellow zone would have started but now this definition has been changed and now after 12 kilometers from the airport perimeter area this yellow zone will start and you can fly the drones up to 200 feet in that area okay in green zones you can there is no flight permission if you are flying only uh, up to 400 feet, so there is almost just the restriction of height, and no other restriction is uh, there in green uh, flying drones in uh, green zones. No pilot license is required for micro and nano drones, like I've told you earlier. There is no restriction for foreign owned companies registered in India to conduct their drone operations. So, like Amazon is a foreign company, it can conduct its uh, drone operations in India because it is registered in India. Import of drones will be Taken care of by DGFT, Directorate General of Foreign Trade. Coverage of drones under Drone Rule 2021 has been increased from 300 to 500 kg. So, why it has been done? Because we are seeing that in the future there will be drone taxis, also called as flying cars. So, they will also be available. So, the government wants to make rules for them also. Okay. So, similarly, an authorized drone school will be created. Uh, uh, DGCA will authorize drone schools where drone training and testing, testing will be done. Piloting will be uh, pilot training will be provided. Okay, the certificate of airworthiness that yes, this person is ready to fly the drones or this uh, uh, drone is ready to. Uh, Conduct operations uh, in the real world, these certificates will be provided by the Quality Council of India. Okay, so DGCA will formulate the rules, oversee these drone schools, and it will provide pilot licenses. But this airworthiness of a drone will be. Uh, Taken care by the Quality Council of India. Okay, so drone corridors will also be uh, developed so that for cargo delivery companies, so logistics companies like your courier companies or your uh, e commerce companies, for them, drone, drone corridors will be provided. And there will also be a drone promotion council so that business friendly reg regulatory regime can be promoted uh, in India and these drone companies can see India as a viable uh, market for their business. Okay. टनोलॉजी तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे उनकी इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर जो है उन्होंने एक एम ओ यू साइन किया है और जो है सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स जो है उसको सेटअप करने में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स जो है वो हमको हेल्प करेगी ठीक है अब इस एग्रीमेंट में क्या साइन किया गया है कि कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाई जाए हाईवे इंजीनियर्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे हो इनेबलिंग इन्वायरमेंट उनकी ट्रेनिंग कैसे हम कर सकते हैं ये जो है यूनिवर्सिटी जो है वो अब इनको हेल्प करेगी इंडिया स्पेसिफिक मैक्रो मॉडल हमारे को कैसे हाईवेज़ चाहिए हवाई हाईवेज का नेटवर्क कैसा होना चाहिए नेशनल हाईवेज़ कैसे होना चाहिए ये एक ऐसा इंडिया स्पेसिफिक मॉडल बनाएंगे इंडिया के लिए और उसके हिसाब से से इंडिया के जो है इंजीनियर्स की ट्रेनिंग की जाएगी ठीक है फिर जो है एक कोर्स भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें तीन हफ्ते का कोर्स इंडिया में होगा तीन हफ्ते का बाहर ऑस्ट्रेलिया में होगा इससे क्या होगा कि जब इंडिया स्पेसिफिक हम क्वालिटी हाईवेज बनाने की जो हमारी ट्रेनिंग मिल जाएगी हाईवे इंजीनियर्स को तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगे और स्टार्टअप्स आएंगे ताकि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो है वो हम कंट्रीब्यूट कर सके ठीक है फिर इसमें रिसर्च अ, एंड डेवलपमेंट हो सकती है एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स अभी तो हम नॉर्मल हाईवेज़ का सोच रहे हैं आने वाले टाइम में हमको आगे का भी सोचना है तो उसके हिसाब से जो है एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को भी हमको देखना है ठीक है आने वाले टाइम में आपको पता है कि कार्स की स्पीड भी बढ़ने वाली है इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी टेस्ला जैसी बड़ी जो या जो है ऑटोमेटेड कार्स आएंगी तो उसके हिसाब से हमारे जो है हाईवे नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए रिजिलियंट होना चाहिए ठीक है So now let us see this topic in English. Center for Advanced Transportation Technology and Systems. So our Indian Academy of Highway Engineers they have signed an agreement with the University of New South Wales, and they will set up a center for Advanced Transportation Technology and Systems at um, at Noida uh, at this I, at AHE headquarters. And this agreement will facilitate basically uh, training of. Indian highway engineers, so that they can build India-specific model of highways, and they can update their training. They they will be provided with new training: three weeks in India, three weeks in uh, Australia, so that our national highways can become uh, updated. They they can uh, see beyond the current realities. We have to see that new opportunities will be. Available in our highway sector or transportation sector. So, uh, if our highway engineers who are actually uh, constructing these highways, who are designing these highways, if they will have uh, good capacity building, then they will uh, promote new industries and startups in uh, from Australia to India. So, uh, because as

थर्टी थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल 311 तो आपको पता है ना कि डिसमिसल रिमूवल या फिर रिडक्शन अगर किसी का रैंक का करना हो किसी सिविल सर्वेंट का तो यूनियन और स्टेट दोनों के देखते हैं ठीक है तो उस इसी आर्टिकल के अंडर ही वो जो, जो किया जाता है 310 आर्टिकल तो प्रोटेक्शन देता है उनको कि सिविल सर्वेंट्स को आर्बिट्रेली नहीं निकाल सकते आप तो तीन है वो कहता है कि निकालना है उनको रिमूवल करना है डिसमिस करना है या रिडक्शन इन रैंक करनी है तो वो कैसे की जाएगी यूनियन और स्टेट के इंप्लाइज की वो बताता है ठीक है तो 311 का जो सबसेक्शन टू है वो ये कहता है कि अगर आपको किसी को डिसमिस या रिमूव या रिड्यूस करना है उसका रैंक तो आपको एक इंक्वायरी करनी पड़ेगी और उसको चार्जेस बताने पड़ेंगे कि इस वजह से हम आपको डिसमिस कर रहे हैं इस वजह से हम आपको डिमोशन कर रहे हैं एंड ऑल दैट आपको बताना पड़ेगा ठीक है लेकिन इसी के अंदर इसी 311 हंड्रेड इलेवन के अंदर एक और सबसेक्शन है सी जिसमें कहा जाता है कि अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर को ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट खतरे में हो सकती है अगर हमने उसको रीजंस जो हैं अगर हमने उसको बताए तो वो जो है एम सॉरी अगर ये इंक्वायरी हमने अगर करी और जो है उसको रीजंस बताए तो जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो डायरेक्टली भी उनको निकाल सकते हैं ठीक है लेकिन कोर्स थ्री हंड्रेड इलेवन का टू ए जो है वो ये भी कहता है कि आपको जो है वो ये राइटिंग में देना पड़ेगा कि यस yes, ऐसे रीजन एग्जिस्ट करते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट खतरे में हो सकते हैं इसलिए हम ये इसका यूज करते हुए जो है हम इनको निकाल रहे हैं ठीक है और वो केसेस जो है वो क्रिमिनल चार्ज पर ही जो है वो uh, जो है वो होता है ठीक है सेफ गार्ड ऑन ऑफ एन इंक्वायरी ऑल्सो डज नॉट अप्लाई इन केसेज ऑफ कन्विक्शन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज अगर क्रिमिनल चार्ज पर है तो क्रिमिनल चार्ज पर नहीं है ठीक है अब ऊपर वाले जो जो ये डिसमिस किए गए हैं तो मोस्टली जो है क्रिमिनल चार्ज पर ही हैं लेकिन अगर क्रिमिनल चार्ज पर नहीं है तो उनको जो है वो राइटिंग में देना पड़ेगा कि किस वजह से जो है वो उनको मतलब हम क्यों इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं ठीक है थीके? तो दो केसेस हो गए इसमें ठीक है एक तो हो गया कि क्रिमिनल चार्ज पर तो आपको जो है वो नॉर्मली आप निकाल सकते हो क्योंकि आप इंक्वायरी नहीं करना चाहते लेकिन अगर जो है क्रिमिनल केस नहीं है आपके पास ये कोई जानकारी नहीं है कि क्रिमिनल कोई उन्होंने ऑफेंस किया है फिर भी आप उनको अगर हटा रहे हो तो आपको एक रिटर्न में देना पड़ेगा उनको प्रेजिडेंट या गवर्नर को कि हम जो है आर्टिकल थ्री हंड्रेड इलेवन टू ए का यूज करते हुए हम क्योंकि इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं चाहे है उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है लेकिन हमको उनको हटाना जरूरी है ठीक है तो ये इस एक्ट जो है आर्टिकल के अंदर उनको हटाया जा सकता है तो जो सेक्शन वन ट्वेंटी सिक्स था जो पिछली जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का वो भी जो है वो सिविल सर्वेंट्स या गवर्नमेंट एम्प्लॉज़ को प्रोटेक्शन देता था लेकिन उसके अंदर भी ऐसे एक्सेप्शन्स थे कि जो है जिस जिसके जिस जिन एक्सेप्शन्स का यूज़ करते हुए किसी पर्सन को बिना इंक्वायरी के भी निकाला जा सकता था ठीक है तो ये केस क्या चल रहा है कि जो है Uh, कुछ एम्प्लॉयज़ वहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ में पाए गए थे जो कि uh, थोड़े टेररिज्म या सेशनिज्म के एक्टिविटीज़ थी तो उसको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने अप्रैल एप, में एक ऐसा स्पेशल टास्क टास्क फोर्स बनाई थी ए ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के अंदर ठीक है और उस टास्क फोर्स ने ऐसे इम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई किया था जो कि टेररिज्म या फिर जो ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं जो मूव सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट की जानकारी दे देते दे दे थे, थे पाकिस्तानीज को ठीक है फिर मिलिटेंट्स को को हार्बर करते थे या फिर हवाला ट्रांजैक्शंस करते थे तो उन केसेस में उनका आइडेंटिफिकेशन की गई और उनके ऊपर ये, 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 ये प्रोविजन का यूज़ करते हुए उनको निकाल दिया गया है ठीक है अब उनके पास क्या रेमेडी रह गई है मैक्सिमम रेमेडी उनके पास ये रह गई कि वो हाई कोर्ट जा सकते हैं ऑफ कोर्स उसके बाद मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बट कोर्ट के अलावा उनके पास अब कोई और रेमेडी नहीं बची है so now let us see this topic in english dismissal of J&K government employees so lieutenant governor manoj Sinha has dismissed 11 jammu and kashmir government employees under the provisions of article 3112c of the constitution so this provision is basically used if in case of some criminal allegations okay so there are two two subsections we will discuss them now uh, but let us see the background of this uh, constitutional provision. So, Article 311 of the Constitution deals with dismissal, removal, or reduction in rank of people employed in civil capacities under the Union and State. Okay. So, both. Uh, in the employees of employees of both union and state are dealt with this provision and under article 3112 uh, it's uh, this art constitution says that you have to inform the charges are, and have to conduct an inquiry before dismissing removing or reducing the rank of a per, of a person uh, no. Uh, uh, who is working uh, under the civil capacities? Okay, so but there are, of course, exceptions in which case you do not need an inquiry. So, if in this case, of course, this these in this case of Jammu and Kashmir government employees being sus, uh, dismissed, this the they are dismissed from service because they were involved in criminal activities. Okay, so for criminal activities, subsection C is working, and section C says that in the interest of security of the state. Uh, the president and governor if they think that it is it will not be in the interest of the it, it will be in the interest of the security of the state that uh, this inquiry should not be held then they can dismiss remove or reduce the rank of these people using this provision okay so in case there are no criminal allegations there are some civil allegations or some other allegations against these people then uh, 311 2a can be used and they can be dismissed, removed, or reduced their rank. And but in that case, uh, the authority which is removing them, the president or the governor, they will have to record the reasons in writing that as to why they cannot conduct an inquiry. Okay, so similarly, it's not a, a something. Uh, out of proportion that this uh, constitution is providing, and these exceptions are not something out of proportion. But the erstwhile state of Jammu and Kashmir, their own, own constitution was also. Uh, uh, providing such provisions the section 126 of the constitution was providing protection to these employees of our civil servants uh, but it also had some exceptions in which case a person could be dismissed without holding an inquiry so these are the same provisions which are present in the indian constitution which are now applicable to the ut of jammu and kashmir and ut of ladakh okay so, what is this case all about? So, in April this year, a special task force was uh, constituted by the Jammu and Kashmir government under the ADGP of uh, Jammu and Kashmir police. And they identified certain people who were found to be propagating and promoting the secessionist ideology of some terrorist groups and their sponsors in Pakistan. They were also informing about the movement of security forces uh, to their masters in Pakistan. They were also harboring terrorists. They were also Involved in hawala transactions, so in that manner they were involved in criminal cases or criminal allegations. That's why our uh, subsection uh, C has been used, not the not the A one. C has been used, and they have been dismissed from the service. So the only remedy which is available to them is to approach the high court, and of course they can, uh, if they if their uh, argument uh, is still valid, they can also. Uh, अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर दिस हाई कोर्ट ऑप्शन ओके सो नाउ लेटर सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे तो पंद्रह जुलाई को जो है वो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है और इस टाइम पी एम मोदी जो है उन्होंने जो है वो एड्रेस uh, किया है ओकेजन पे और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है हमारा स्किल इंडिया मिशन जो है वो दो हज़ार पंद्रह में हमने इसी दिन लॉन्च किया था ठीक है छः साल पहले तो सिक्सथ एनिवर्सरी है हमारे स्किल इंडिया मिशन की तो स्किल इंडिया मिशन जो है वो मार्केट रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग देना चाहता है Uh, 2022 तक 40 करोड़ यंग लोगों को और एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ को बढ़ाना चाहता है ट्रेनिंग गाइडेंस सपोर्ट हर तरह के एम्प्लॉयमेंट की वीवर्स कॉबलर्स से लेके नर्सिस तक की जो है सबको जो है वो ट्रेनिंग गाइडेंस और सपोर्ट देना चाहता है ये प्रोग्राम और इसमें न्यू डोमेन्स भी ऐड किए जा रहे हैं टाइम टू टाइम जैसे रियल एस्टेट ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दैट ओके इस ये एक बहुत ही ब्रॉड स्कीम है स्किल इंडिया मिशन जिसके अंदर छोटी, छोटी 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 सब स्कीम्स है जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीनरशिप ये सारी जो है ये सब स्कीम्स हैं हमारे स्किल इंडिया मिशन के अंदर ठीक है तो आप इस पर एक कन्फ्यूज़ ना होना कि स्किल इंडिया मिशन जो है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ही का ही है ठीक है तो ये असल में स्किल इंडिया मिशन के अंडर ये बहुत सारी सब स्कीम्स हैं ठीक है सो अब ये वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे क्या है फिफ्टीन uh, जुलाई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑफकोर्स कि जो यूथ को किस को स्किल्स देने के लिए जो है वो कि, कितना इंपॉर्टेंट है इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है इसको रिकोगनाइज़ किया गया है डिसम्बर टू थाउजेंड फोर्टीन में श्रीलंका uh, के कहने पर ये रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था इस साल का जो दो हज़ार इक्कीस का जो थीम है वो है री इमेजनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक ओके तो बड़े डिस्टर्बिंग फैक्ट्स भी हैं जैसे कि वन इन फाइव यंग पीपल जो है वो ना तो किसी एम्प्लॉयमेंट में है एजुकेशन में है और ना ही ट्रेनिंग में है ऐसे ही उन्नीस से 2017 के बीच में 139 मिलियन हमारी जो पॉपुलेशन यूथ पॉपुलेशन ग्रो हुई है लेकिन जो यूथ लेबर फोर्स है वो 58.7 मिलियन जो है वो श्रिंक हो गया है ठीक है तो ये कुछ डिस्टर्बिंग फैक्ट्स भी हैं हमारे लिए ठीक है सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सो पीएम मोदी हैज़ Uh, addressed a program on the occasion of World Youth Skills Day, and this day is important because India launched a, a Skill India mission six years ago on this day in 2015. So, this Skill India mission is basically an, a, a mission to provide market relevant skills training to almost 40 crore young people in the country by the year 2022 so that we can improve the employability of the youth so training guidance and support will be provided for all traditional types of employment such as weavers cobblers etc new domains have been uh, also have also been added to this program such as real estate transportation etc and this is a broad mission this skill india mission is a broad mission and into which several sub schemes are there such as pradhan mantri kaushal vikas yojana etc national skill development uh, mission etc you just do just don't get confused that skill india mission is synonymous with uh, national skill development mission no this scale india mission is a broad mission and under this mission there are several sub schemes okay so now let us see what is this world youth skills day it is celebrated on 15 july because it want, it uh, recognizes the importance of uh, equipping young people with the uh, with uh, new skills okay and this res this uh, day is celebrated because it was it was adopted as a resolution by the united nations general assembly in december 2014 uh, at the behest of sri lanka so sri lanka spearheaded this campaign and this resolution was passed in december 2014 the theme for this year is reimagining youth skills post pandemic so this year's theme is this okay okay uh, now let us see this uh, dis some disturbing facts regarding the skills and the youth employment uh, reality okay so one in five young people are neither employed uh, educated or trained okay and this youth population grew by almost 140 million uh, between 1997 and 2017 but the youth labor, labor force shrank by 58.7 million people uh, uh, because of this gap in skills and uh, uh, skills and employment needs okay so because of that we need these skills so that we can uh, employ आर पीपल आर यूथ पॉपुलेशन एंड वी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ आर डेमोग्राफी ओके सो नाउ लेट अस नेक्स्ट टॉपिक विच इज एमेजॉन फॉरेस्ट हैज कार्बन सिंक्स तो एक बहुत ही बुरी एक डिवेलपमेंट हुई है कि अमेजॉन जो फॉरेस्ट हैं साउथ अमेरिका में जो कि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है वो एब्जॉर्ब तो करना छोड़ो कार्बन एमिशंस को बल्कि एमिट करना शुरू कर दिया उन्होंने तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरा बुरी न्यूज़ है तो बहुत दि, जो है वो डीफॉरेस्ट्रेशन हो रही है उस एरिया में ईस्टर्न और सदर्न साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील में और जो है फॉरेस्ट फायर्स भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा हुई हैं उस एरिया में तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा जो है वो सीओ टू एमिट करना शुरू कर दिया उन्होंने ठीक है और सिर्फ एमेजॉन रेन नहीं साउथ ईस्ट एशिया में भी जो कुछ फॉरेस्ट है, 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 है एब्जॉर्ब तो ये कम कर रहे हैं ठीक है तो एमेजॉन बेसिन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं ये एक एरिया है जो सिक्स मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर का है ऑलमोस्ट इंडिया के ट्वाइस जितना एरिया है ठीक है एट्टी परसेंट ऑफ द बेसिन जो है वो एमेजॉन रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है जो ये पूरा एमेजोन बेसिन का जो एरिया है एमेजो बेसिन क्या है जहां जहां से अमेजॉन रिवर जाती है उसके आसपास का जो बेसिन का एरिया है वो वाले एरिया को हम एमेजॉन बेसिन बोलते हैं ठीक है तो एमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है वो उस बेसिन का एट्टी परसेंट जो है वो कवर करता है और ट्वेंटी परसेंट ऑफ जो वर्ल्ड का फ्रेश वाटर है वो इसी एमेजॉन बेसिन से ही आता है ठीक है अमेजोन रिवर से ही आता है बेसिकली तो फॉरेस्ट फायर्स की वजह से डीफॉरेस्टेशन की वजह से जो है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि एक्सपेंशनिस्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं रेलवे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है इन रेन फॉरेस्ट के ऊपर और ये जो है इनकी इन जो एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन एमिशन जो है वो इतनी कम हो गई है कि अब रादर वो एमीटर्स बन गए नेट एमीटर्स बन चुके हैं ये रेन फॉरेस्ट ठीक है तो अब रिसर्चर्स ने देखा है कि पहले तो ये अमेजॉन जो फॉरेस्ट होते थे वो एब्सॉर्ब करते होते थे सीओ टू पूरे वर्ल्ड से ठीक है लेकिन अब रेनफॉल भी कम हो रही है टेम्परेचर्स भी बढ़ते जा रहे हैं और जो है फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिल रही है हमको इसलिए क्या हो रहा है कि अब जो है ये रेन फॉरेस्ट या जो फॉरेस्ट हैं वो अब कार्बन सिंक्स नहीं है अब ये एमिट करना शुरू कर चुके हैं ठीक है थीके? तो फॉरेस्ट फायर्स का भी रीज़न दिया है कि क्यों होती है क्योंकि वहां पर भी वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है ठीक है एग्रीकल्चर लैंड फैलता जा रहा है तो क्या होता है कि जो जो फार्मर्स हैं वो अपनी फसल बोने से फसल उगाने से पहले उस लैंड को जलाते हैं उससे क्या होता है वो आग जो है वो धीरे धीरे फॉरेस्ट एरिया तक पहुंच जाती है तो फॉरेस्ट फायरस भी होने लगती हैं ठीक है सो Now, let us see this topic in English. Amazon rain, Amazon forests as carbon sinks. So, a very disturbing trend has been observed that uh, the largest tropical forests in the world, Amazon forests in South America, they have started to become emitters of carbon dioxide instead of absorbing carbon emissions. So, now they have become net emitters instead of being uh, uh, absorbers of carbon emissions. Okay, a significant amount of deforestation. Decrease in rainfall and uh, expansion of agriculture. There are several reasons, but majorly, majorly these reasons are contributing to the rise of these forests as net emitters of carbon dioxide okay so what is this amazon basin so basically amazon river river flows through through this region in south america so this entire re region of amazon river this which is called amazon basin it is uh, it is an area of almost 6 million square kilometers which is the which is twice the size of india and this basin is basically uh, covered by 80% of rainforests amazon rainforests cover about 80% of this basin and it produces 20% of world's freshwater resources forest fires uh, are happening because farmers are extending their agricultural land and before they uh, uh, cultivate new crops they burn the existing uh, crops for before they can uh, uh, sow their new crops that's why forest fires are happening deforestation is rampant almost 2 two-third of the area of the rainforest has been uh, uh, suffering from this deforestation or large-scale conversion of for uh, cattle ranching and soy cultivation okay and states developmental policies infrastructure development all this is also uh, creating a mess in uh, amazon uh, rainforest region it is uh, building up pressure on this uh, area and that's why these forests have become net emitters okay so uh, decrease in rainfall increase in temperatures all this is causing uh, 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 forest fires